Hi guys, what's up? Welcome back to a brand new video of I Dare You. आज के इस एपिसोड में हम लोग इस सीरीज को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि हमारे लिए थोड़े डेस सजेस्ट करो, वो डेस तो हम करने ही करने वाले और उसके अलावा भी नेक्स्ट लेवल आप करने वाले। लास्ट वीडियो में थोड़ा मैं तुमको इंट्रोवर्ट में थोड़ा एक्सट्रोवर्ट निकाला, आज तुम पूरा एक्सट्रोवर्ट बन के निकलने वाले। तो चालू करते हैं आज की सीरीज, आज का एपिसोड चालू करते हैं, निकलते हैं पहले डेली। तो गाइस, इस वीडियो का सबसे पहला डेयर करने वाली है काश्मीर। लोकल स्ट्रीट मार्केट पे ऐसे हो जहाँ पे कपड़े दुनिया भर के मिलते हैं। तुमको क्या करना है मालूम, तुमको कोई भी एक स्टोर पे जाना है, जो भी भाई लोग खड़े हैं ना, सारे कपड़े लेके जाना है। भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दो, ठीक है। बोलेगा भैया सारे आइटम दे दो, तो बोलना उसको कि टोटल कितना हुआ। जैसे वो टोटल बताएगा बोल देना भैया मेरे को नहीं चाहिए और वॉकआउट कर देना। आप चाहते हो कि मैं गाली खाऊं? चेहरे का मतलब ही नहीं होता। दे दो जिनका साइज दे दो, मेरा साइज मेसी का ना, मेसी का जो भी है सब दे दो। कौन सा दिला रहे हो मुझको? सब मेसी का लियो। लो भाई, जो जो मैडम बोलेगी वो दे दो। अरे क्या बात है, सब दिला रहे हो? हां, ये भी, ये भी, ये भी। और कोई है क्या मेसी का? हां और भी है, लाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। हां तो दुकान कर ही दूंगा। डाल दो, ये भी डाल दो। लियो लियो, ये भी ले लेंगे। और ठीक है, ये भी दे दो बस। अब हाँ। और एक बचा, ठीक है कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब इसका प्राइस बता दो आप, टोटल बताओ बस। आप मैडम भरेंगी, मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बर्थडे है तो मैडम मेरे को गिफ्ट करेंगे। मैं मेसी का बचपन से फैन हूँ, बर्थडे का भी है मेसी का। बैगन नहीं भाई, नहीं चाहिए। बोलिए ना, तो दोनों ये चाहिए। उनका बर्थडे है तो उनके बर्थडे को जो जो उठाएगी सब मेरे को गिफ्ट करना होगा। ये चाहिए और ये भी दे दो। क्या बात है, ठीक है ये भी दे दो, ये भी दे दो। ये मैडम पे जो जो अच्छा दिखेगा आप देते रहो। मैडम पे सब कुछ अच्छा दिखेगा। क्या बात है मैडम, ये मैडम का पहली बार ऐसा शॉपिंग है, ऐसा ना। मैडम शोरूम वोरूम में ही जाती है। नहीं, अच्छा है तो उनके लिए, इनकी शॉपिंग भी अच्छा रहता है। अच्छा है। आप कितने टाइम से बेच रहे हो इधर? अरे मैडम ये तो मेरा क्या बताऊं मैं आपको, ये 18 साल हो गया। मैडम के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है ना? 18 साल की तो मैं हूँ। ले सारे ऑफर है, लेने यार बता दो कितना हो गया डिस्काउंट। फोन में कैलकुलेटर वाइल्टर खोलो। कहाँ से हो आप? बिरादर है, कहाँ करते हो लाला जी? डिस्काउंट लगा हुआ था क्या? नहीं। A few minutes later 3000 कितना? 3000 नहीं चाहिए, थोड़े दे दो। 3100 क्या? 3000 मैडम यार, तो मैडम भाई 3000 ऐसा बोलोगे तो कैसा, वो चले गए वो। तो गाइस हम लोग आ गए चौपाटी। तो लास्ट वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में जो सबसे लाइक्ड कमेंट था, जिसमें दो डेयर दिए गए थे, एक मेरे को और एक काशवी को। तो काशवी तुम्हारा डेयर ये था, उसने बोला था कि रेस्टोरेंट के बीच में जाके तुमको नर्सरी राइम गाना। तो अपन रेस्टोरेंट में नहीं आए, चौपाटी में आए। चौपाटी में भी खाने की बहुत जगह है, तो बहुत सारी जहाँ क्राउड बैठी रहेगी ना, तुमको बचपन का एक नर्सरी राइम गाना है। एंड मेरा डेयर उसने कमेंट में ये लिखा था कि मेरे को बेट करना है पैसे कमाने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट किए। हम ये करेंगे कि मैं अर्न करूंगा पैसे, लाइक पर्टिकुलर अमाउंट तुम दो मेरे को 100 रुपये। तो मेरा टारगेट ये है, मेरे को स्ट्रेंजर्स के पास जाके 100 रुपए कमाने, और तुमको जाना है वाइप कराना है लोगों को। कौन सा राइम गाओगे? पिंकी पिंकी पोंकी रीलर डैडी है डोंकी डैडी दा, सॉरी पार्ट डैडी को मरवा दिया। तो ये राइम गाना है तुमको। तुम तुम्हारा डेयर करो, मैं मेरा डेयर करूं, रेडी डन लेट्स गो। ये क्या करवा रहा है स्नैक्स यार, इतना पैनिक हो रही, मुझे कबूतर डरा दे रहा है अभी। पिंकी पिंकी पोंकी डैडी बर्ड डोंकी Donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Ponky. Inky Pinky Ponky, Daddy bought a donkey. Donkey died, Father cried, Inky Pinky Ponky. सीन ऐसा है, मेरे को पैसे कमाने, तो कैसे कमाऊंगा आप देखना पड़ेगा। मेरे को है ना यंग ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। भाई सुनो ना, मेरे को है ना 20-30 रुपए की जरूरत है। आप जो बोले मैं करूंगा, मेरे को बस 20-30 रुपए दे दो ना। अरे बोलो ना, मामा है आपके, मामा जी आए यार, मामा ऐसा कर रहे हो यार। जो भी देना, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जो बोले वो करूंगा। क्या कराओगे बताओ? गाना गा दूंगा। आओ जबरदस्त है साथ में। आप पैसे दोगे ना, बट 10 रुपीज ना, 20 रुपए दे दो ना। थोड़ा 20 मैडम भी गाए, ठीक है 10 रुपए दे देना। 10 गाना गा रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा 50-50 कौन सा गाना गाना साथ में गाएंगे आप बताएं? गाना बताओ। आफरी आफरी गाने भाई, थोड़ा मैं अजीब गाता हूँ, मेरे गाने पे हंसना। 10 रुपीज में जो 5। अच्छा, मेरे गाने के स्किल्स पे तुम पैसा देने वाले हो? मैं दे दूं? तेरी ओर इसके आगे मेरे चेहरे के सुबह जुल्फों के शाम। ओ भाई मेरा सब कुछ है पिया आपसे, तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ, तू है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसीन। आफरी आफरी आफरी। अरे भाई, इनके सिंगिंग के सामने कौन गाएगा? हाँ, मेरे को देना पड़ेगा। मैं तो इनकी आवाज के लिए दे दूं यार। सही में क्या प्यारी आवाज है यार। 10 रुपए चेंज है क्या? दे दो ना आप। क्या 10? कितने आपके पास? आपके पास कितने? जान दो ना। 10 थोड़ी टाइम की बात बोलो ना आप। इतना अच्छा गाया। किधर से आप? हम लोग भावना। अच्छा, इधर मुंबई आए हुए। हम लोग कैसा रहता वाले जो डील करते हैं, जबान के इंसान है ऐसा। चलो ठीक है, 10 के ऊपर इतना पैसा कमाया मैंने आज। वेरी गुड। तो 10 दे देना भाई। ले 10 दिया भाई। तुम्हें गुज्जू जो? अरे माने गुज्जू गानो आवे छे भाई। अरे इसकी मैं आज नजीक लग गया हमारा। तुम 100 रुपए नहीं देना मेरा नाम। सुनो 1 सेकंड, मैं 3 गाने गाऊंगा, तुम 100 रुपए दोगे मेरे को। मामा जी शादी हो गई ना आपकी? हाथ में हाथ रखो। बैरू जा रे पियर जाए, भाई नी जिगर खुली जाए, भाई बंदो नी याद आवे, टेंशन बदा भूली जाए। ए बैरू गयू पियर ने फ्रिज में पड़ू बियर। ए औरे गाड़ा, औरे गाड़ा। हंसी गई तो फंसी गई, दिल में मारा वसी गई, सेटिंग छे पर कहती नती, शर्मा रे या छोकरी। फंसी गई छोकरी नती भाई जिंदगी में। आउच छे जिंदगी। बट मजा यार, मजा। थैंक यू। अब पैसा वसूल है ना? अब वसूल है बस। थैंक यू। तो ये बच्चे लोग अपने को मिले, बोलते हैं अपने व्लॉग में लेने के लिए। मैं आपको व्लॉग में लूंगा। आप किसके साथ आए हो? हमारे चाचा के साथ। चाचा को बोलो 10-10 रुपए दो। This is business। देखो हमारा व्लॉगिंग चैनल बनाने के। 10 रुपए नहीं दोगे बट आपका व्लॉगिंग चैनल बना दोगे। ऑल द बेस्ट। क्या नाम रखोगे व्लॉगिंग चैनल का? क्या क्यूट है। इधर आए। अख्तर व्लॉग्स। मुजना जी आए, चेहरे में स्माइल दिखाए, हाय बोले, हाय बोले। आजकल के बच्चे देखो। मैं बोला भाई 10 रुपए से बोलता मैं मेरा व्लॉगिंग चैनल। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू। सपोर्ट देना। अरे फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। चाचा बुला रहे। अरे चाचा बोल रहे ना कैसे भाई, कहाँ से? सबको मरफा सिखा दूँ। कितने दे रहे मेरे को? सबको सिखा सब। पक्की बात है, हैदराबाद से इंसान है, जबान दिया मतलब 500 आते हैं मेरे को। इतना पूरा आइडिया है। सुनो मेरे को देखो, दोनों हाथ ऊपर रखना है। जब मैं लियो बोलता हूँ एक हाथ नीचे आता, उसके बाद लियो बोलता हूँ तो दूसरा हाथ ऊपर जाता। समझ गए कैसा? बताओ। हाँ बराबर। इसको आ गया, तुम आगो आ रहा। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, चिल्लाना है लियो 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 बोल के। लियो 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 चिल्लाना, ठीक है? मैं 3-2-1 बोलता हूँ, उधर कैमरे में देख के करना। चाचा खुश होना। 3-2-1 लियो 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 लियो। पक्ष 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 पक्ष। लाओ 500 लाओ। सही में दे रहे, लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे मैं वीडियो के लिए मस्ती कर रहा हूँ यार। गरीब को दे दो मगर आपके लिए कुछ। बच्ची के हाथ से तो अच्छा रहता। बच्ची के हाथ से किसी गरीब को तो अच्छा रहेगा। आप ही बता दो किसको देना। सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, कैमरे में देखो। ये 500 रुपये है ना, कुछ खाना वाना खरीद के बच्चों को दे देना, ठीक है? हाँ बोलो कैमरे में। हाँ बोल दिया, डन सीन। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा यार मिलके। शुक्रिया भाई। आओ, ये हमारे भाई एक्टर भाई है। जकी भाई आपके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेंजर को अप्रोच करना है, उसको कन्विंस करना है, आपको उसको 2 मिनट के लिए बॉयफ्रेंड बनाना है। उसको बोलना है भाई 2 मिनट मैं तेरे साथ एक वीडियो ले रही हूँ, सेल्फी लेके भेज रही हूँ, दोस्त को जेलस फील कराने की मेरा बॉयफ्रेंड है। जब आप ये सब कर रहे रहोगे, ये एक्चुअल बॉयफ्रेंड भाई इंटरफेयर करेंगे। एक्चुअल बॉयफ्रेंड भाई ये इंटरफेयर करेंगे कि तू कौन है, वो लड़के को बोलेंगे। और जब बातचीत हो रही है, आप बोलना कि मैं तो उसको जानती ही नहीं। अब वो स्ट्रेंजर को जाके पहले अप्रोच किया, फिर उसको धोखा दे रहे हो कि मैं तेरे को नहीं जानती, तू सामने से आया। गर्मा गर्मी होगी दोनों के बीच में। ज्यादा गर्मा गर्मी हुई तब बोल देना कि भाई आपके साथ प्रैंक हुआ। ये मेरे लिए नॉर्मल है, लड़के मेरे लिए झगड़ते रहते हैं एक दूसरे। अच्छा, देखते आज कितना झगड़ा आते हैं। तो बीच पे कहाँ से ढूंढूं यार मैं बॉयफ्रेंड? इस बीच पर बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं मिल रहा मुझे। अब मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे क्या? मन में लड्डू फूटा। मैं अपने दोस्त को वीडियो भेजूंगी बस। हाय ईशा, मैं इधर आई हूँ मुंबई में, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, हाय बोल दो, ठीक है? थैंक यू। A few moments later। यही था। क्या नाम है? फोटो निकाला मेरी गर्लफ्रेंड के अपने। क्यों फोटो क्यों निकाला बताओ? फोटो ये तू है ना? हाँ मैं। तो क्या बॉयफ्रेंड है क्या इसका? एक मिनट भर बाद में आओ यार। तो फिर फोटो क्यों निकाला तूने? बोले मेरे को तो निकाला मैंने। बोलेगा तो निकालेगा। मैंने नहीं बोला तो मना कर रही है मुझे। मैं नहीं बोले। आप बोले मुझे। नहीं बोले। आप बोले मुझे। तूने बोला ना फोटो निकालना। ये तो क्या बोल रही सामने? क्या वो तो बोल रही तूने बोला फोटो निकालना। लड़की तो कुछ भी बोले। लड़की तो कुछ भी बोलेगी। मेरे को लगा फोटो खिंचाने इसलिए बोले। तू सेलिब्रिटी है। शाहरुख है ना? शाहरुख खान है। शाहरुख खान दिखा दिखा दिखा। शाहरुख खान है क्या तू? तेरे साथ में फोटो निकालने बोलेगी? हाँ तो मैं नहीं बोली, झूठ बोल रहा है। दिखा ना तेरी आईडी दिखा ना। अरे तू शाहरुख के अंदर तो शाहरुख खान है क्या? तो रैंडम ये बंदी की पर्सनैलिटी देख तेरे को आगे बोलेगी फोटो खिंचाने के लिए। तू हीरो है, छपरी है, दिख रहा है छपरी। वो छपरी है। पर्सनैलिटी देख पहले उसकी। मेरी देखो ना। किसके साथ में आया था? किसके साथ? एकला वंशो आया है इधर। अच्छा मारना नहीं है इनको। नहीं मारे, मारने के लायक नहीं। जबरदस्ती मेरे पास आएगा। मारना मत इनको। तो हसरा क्या है? सुन ना, तो हसरा क्या है? तू कहीं का पटेल भी टेले किधर? हाथ निकाल जेब में से पहले। तू देखो आराम से बात कर रहा है। देखो समझ में नहीं आ रहा क्या तू आराम से बात कर। बात करोगे क्या मैं दबता हूँ? क्या करा? क्या कौन तेरी बात किया तेरे से? क्या तेरी बात किया? तो गर्लफ्रेंड के अंदर मेरे फोटो निकाल रहा है उसके पास जाकर। और तो उसका झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये बोले मेरे से। नहीं बोला। नहीं बात करते हो। हिंदी इंग्लिश सब बात कर लेती है। कर पाता तू? हिंदी इंग्लिश सब बोल लेती है। गुजराती बोलना तो गुजराती। नहीं इंग्लिश बोलना। फिर क्या बोल रहा है क्या बात कर दी? फिर कैसा बोल रहा है क्या बात कर दी? सलमान की एक्टिंग क्यों कर रहा है शाहरुख करके? तू आदत है अपनी बचपन से। तू फोटो निकाला कि उसके अंदर पहले ये बता क्यों आया इसके पास? फोटो निकाला नहीं, वीडियो बनाई। बराबर क्यों आया तू इसके पास ये बता। ये आया मेरे पास। नहीं ये आया मेरे पास। तेरे पास पर्सनालिटी देख के जा। निकल जा। चल निकल जा। निकल जा मेरी सटक रही है भैया। निकल जा। निकल जा मेरी सटक रही। मेरी भी झटक रही है। निकल जा भी पहले बोल रहा तेरे को। चल ले अभी। यहाँ मत आ, यहाँ मत आ, यहाँ मत आ। चल मारो मत। यहाँ मत आ। हट जा। सॉरी सॉरी। हट जा। हटा मत अभी। चल निकल। Sorry, चल निकल फटफट निकल। तेरा बहुत हो गया। निकल जल्दी निकल। चल चल निकल अभी यहाँ से। निकल चल। अच्छा सुनना सुनना भाई प्रैंक कर रहे थे आज। मस्ती कर रहे थे। प्रैंक चालू है। और लेकिन एकदम एमसी स्टैंड है पूरा। शाहरुख खान, सलमान खान, मल्टी टैलेंटेड। आपको परेशान किया इतना टाइम। कोई बात नहीं। लेकिन जैकेट कहाँ से लिया? अच्छी लग रही। अहमदाबाद में। अभी अहमदाबाद से ही है। अहमदाबाद हो? अहमदाबाद 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 क्यों बोल रहे थे? यूट्यूब के लिए प्रैंक था। आप देखना आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। तो देख कैमरा उधर हाई कर दे। स्नैक्स भाई आप एक चीज़ में बहुत फेल हो, लड़की पटाने में। हम आपको एक सफ़र पे भेजने वाले हैं जिस पर आप बहुत सफ़र करने वाले हो। आप जाने वाले हो जेट स्की पे। यहाँ हम आ गए जू बीच। तैरने नहीं आता। लाइफ जैकेट लगा लेंगे थोड़ा मतलब। बस वापस आ जाओ मैं तो। मैं जेट स्की हल्लू हल्लू चले जा रहा हूँ। इधर डीप पे मत जाना, पास में जाना। लेकिन आपको लेके जाना है एक लड़की को कहीं से। बीच में बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत भीड़ है। देख सकते हो आप लोग कितने लोग हैं। पीछे बिठाना है उसको। पीछे बिठाना है आपके और एकदम जाना है जेट स्की पे। आज तक कभी जेट स्की नहीं गया और ऊपर से लड़की को बिठा के करना है मतलब। तो ढूंढ लो एक लड़की जल्दी से। सनसेट होने वाला है। लास्ट राइड है जेट स्की का। वन पोटी शुड कम एंड सिट बिहाइंड यू इन द जेट स्की। पोटी है वो, पोटी नहीं है। हां एक्सक्यूज मी सॉरी टू इंटरप्ट। मैं ना अभी जेट स्की के लिए जा रहा था तो मेरे पास है ना एक एक्स्ट्रा जेट है। जेट स्की है जो सोलो जेट स्की होता है ना तो पानी में लेके जाने के लिए। तो उसमें ना पीछे एक सीट खाली है। आप में से कोई आना चाहेगा? थैंक यू। हां एक्सक्यूज मी मैं ना जेट स्की राइड के लिए जा रहा हूँ। पीछे की मेरी एक सीट खाली है तो आप में से कोई आना चाहेगा? आपने कभी किया है? करना चाहोगे? मैंने भी कभी नहीं किया। क्या नाम है आपका? याना। तो स्नैक्स भाई कैसा लगा? बहुत डरावना भाई। एक तो अंधेरा हो गया, पानी आगे इतना डीप अंधेरे में तुम जा रहे हैं, फट जाती है। मेरे को स्विमिंग नहीं आती यार। तुमको भी नहीं आती? बहुत डर रहे थे भाई कि वो भैया को मैं बोल रहा था आगे मतलब। पहले तो प्लान ऐसा था सोलो चलाने का बट वो इतना आसान नहीं है संभालना भाई। और ऊपर से इनको बिठा के मतलब मैं क्यों किसी को भाई रिस्क में डालूं? ना मेरे को तैरने आता है ना किसी को। मैं बोला भैया तुम चलाओ, हम बैठे उसमें फट गई भाई। चलो आपने कर लिया। बहुत फास्ट लेके जा रहा था यार वो। इनका नाम आप पूछा कि बस? क्या नाम भूल गया था। नाम बताया था नाम बताया था। सॉरी नाम भूल गया। याना जी। बट कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? अच्छा लगा? कभी कोई आपको ऐसा पूछा है ऐसा? नहीं फर्स्ट टाइम। मेरा भी फर्स्ट टाइम किसी को पूछने का। क्या बात है यार। इट वाज फन। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते गए। चलो स्नैक्स भाई आपने तो मतलब बहुत ही मजा आ गया। फाड़ दिया ना। बस सुनो एक आइकॉनिक मुंबई वाला गाना भी है। अच्छा साथ में गावा बराबर, ठीक है बराबर। कामावा जायला, कामावा जायला, उशीर जायला, उशीर जायला, बघतोय रिक्षावाला, बघतोय रिक्षावाला, वाट माझी बघतोय रिक्षावाला, वाट माझी बघतोय रिक्षावाला, माझा तुझ्यावर खूप प्रेम आहे। लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा। पहले अच्छा साग भाई आपको सीखना पड़ेगा रिक्शा कैसे चलाते हैं, ये आप देख लो किससे सीखने वाले हो, कैसे सीखने वाले हो, लेकिन रिक्शा चलाना है आपको। मेरे को ऑटो चलाना है, ऑटो रिक्शा। जस्ट सेइंग मैं 10th में जब था मैं स्कूल का ऑटो वाले का चला के निकल गया था। अच्छा तो आता है आपको? थोड़ा बहुत आता है मेरे को, इसके बाद से कभी चलाना है। ये मेरा ढेर है, ऑटो चलाना है मेरे को। आ जाओ, तो अपने को ऑटो मिल गया भाई। ऑटो को अपन सजा दिए लाइट वाइट डाल के। भाई अपना नाम क्या है? यूसुफ नाम है। यूसुफ भाई कैसे, सब खैरियत? सब जबरदस्त। आज तुम मेरे को ऑटो चलाना सिखाना। बचपन में स्कूल में मैं मेरे ऑटो वाले का ऑटो लेके भाग गया था, थोड़ा बहुत नॉलेज है अपने को। राइट में जैसे नीचे ब्रेक रहता, लेफ्ट में गेरा है, राइट में एक्सीलरेटर है। तो मेरी पैसेंजर इन्हें चाहिए जो मेरे को चैलेंज दी। ओके ओके ठीक है, अपन चलाएंगे, इन्हें पीछे बैठेंगी, बस राउंडा मारना है। ओके ओके बराबर, ओके बेफिकर आ जाओ। बैठो, कहाँ जाना है मैडम? जाओगे बैंड्रा तो जाओ ना, क्या उसमें बैठो। चलो आंदो भाई, चलिए चलो, जीपे चाहिए भाई, जीपे चाहिए। हमारा जायला गाना गाए पैसेंजर, बाबू भाई रिक्शा वाला, रिक्शा वाला। मैडम एक्स्ट्रा देना पड़ता है गाने वाना गाने का, पहले बोल रहा हूँ। अच्छे से चला रहे मैडम, क्या हाल बोलते हैं पब्लिक। आपने रिक्शा ले लेते, रिक्शा चलाना? हाँ भाई, कहाँ एक रिक्शा ले लेता हूँ डेली भाई, जिम जाने के लिए। काम की चीज है, काम की चीज है भाई। गाइस फ्यूचर सिक्योर है भाई, कुछ हुआ नहीं ना यूट्यूब पे तो रूम बनता ना, रूम बन यूसुफ भाई के साथ लग जाऊंगा। सही है, रूम बन जाएगा, डिक्की में तुम्हारा सामान भी आ जाएगा। बराबर, मजेदार तो है ना। मेरे को तो लग रहा है भाई किसी लड़की को डेट पे इसमें लेके जाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, एंड ये डेज पहले वाले से तुमको और जबरदस्त लगे होंगे, और ये वीडियो एक लेवल अप लगा होगा फर्स्ट एपिसोड से। अगर आप लोग फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो काश के चैनल पे जरूर चेकआउट करना है। थर्ड एपिसोड के लिए डेज कमेंट में आन दो, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।